सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन एथोस के आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यूज़ फॉर मैनेजर्स, जो अपने लास्ट लेक्चर का एक कंटिन्यूशन पार्ट है जो अपन ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 20 के अंदर। तो कंटिन्यू करते हैं। तो अपन 7 पॉइंट पढ़ चुके थे वैल्यूज़ के अंदर कि मैनेजर्स के लिए या इंडियन वर्क प्लेस में आजकल वैल्यूज़ क्या है। तो 8वां पॉइंट है अपना रोल ऑफ मैनेजमेंट इन इनकल्केटिंग वर्क प्लेस एथिक्स। तो आजकल का जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है कि वर्क प्लेस में एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो बॉसेस हैं, जो ऑनर हैं, उनको एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने, चाहे वो मैनेजर्स हो चाहे सुपरवाइजर्स हो, और उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर हम उनसे कहते हैं कि आपको टाइम पर आना है तो वो भी पहले टाइम पर आए। ऐसे ही कोई भी एथिकल एक्टिविटी जो हम अपने जूनियर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो पॉसिबल हो कि इसके एग्जांपल्स पहले मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स उनके सामने रखें, तो हम उनके अंदर एथिक्स और वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही आता है मैनेजमेंट नीड्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये कई बार ऑब्जर्व किया गया है कि जो टीम मैनेजर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं वो अपने टीम मेंबर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों? जैसे कई बार सुपीरियर्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली किस चीज़ को कहते हैं कि आपको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। यस, तो यदि वो खुद रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ को इसी इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि हमें भी ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। ऐसे ही कि आजकल के जो टाइम है मैनेजमेंट का, वो कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करे और उनको गाइड भी करे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो रिमेंबर करिए ऐसे बॉस को जो कि कैप्टन है शिप का, और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने टीम मेंबर्स को सही मेंटरिंग के थ्रू, सही डायरेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करने में मदद करें। तो मान लीजिए कि यदि आपको पता है कि आपका एक टीम मेंबर जो है वो अपने किसी क्लोज फ्रेंड से मिलने गया है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, तो आप यदि उसको और लोगों के सामने क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको बेइज्जत करेंगे, तो शायद उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, डीमोटिवेट होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप उसको अपने चैम्बर में बुला के उसको एक बार इंडिविजुअल समझा सकते हैं कि अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इससे वो मोटिवेट भी होगा और उसको पता लगेगा कि उसने क्या गलत किया। ऐसे ही हमें दूसरों के सामने दूसरे लोगों के मैटर्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए। देखिए, हर पर्सन सही हो ये ज़रूरत नहीं है, और ये भी है कि कई बार अगर हम किसी और किसी पर्सन को दूसरे लोगों के सामने कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो भले ही आपका जो जॉब है वो सुपरवाइजरी करने का है, मैनेजर बनने का है, आपको लोगों को डायरेक्शन देने का है, मेंटरिंग करने का है, बट आप उस पर्सन को गिल्ट फील करवाएं, आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, ये गलत है। तो आप ऐसी मिस्टेक को, उसको सही तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे उसकी अपनी स्ट्रैटेजी, तो आप उसको क्या समझा सकते हैं और ये गलती ना करें कि आप दूसरों के सामने भी उसकी इस गलती को बार बार क्या करें, हाईलाइट करें। ऐसे ही आता है कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये ज़रूरी होता है वर्क प्लेस एथिक्स में कि जो भी मैनेजमेंट आपसे चाहता है वो पॉलिसी बना रहा है और आपसे एम्प्लॉयज़ से वो क्या एक्सपेक्टेड है, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के साथ करना चाहिए। ऐसे ही एक वैल्यूज़ के हिसाब से कहा जा रहा है कि देखिए, प्रॉब्लम तो किसी को कहीं भी हो सकती है। एग्रीड कि कई बार कुछ चीज़ें लोग झूठ बोल देते होंगे सिचुएशन में, बट बीइंग एज ए मैनेजर ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ अगर अपनी प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस कर रहा है तो आपको एक सिंपैथेटिक ईयर तो रखना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल ज़रूरी हैं, ठीक है वर्किंग आवर ज़रूरी है, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बट एक ह्यूमैनिटी की वजह से हमें एक सिंपैथेटिक ईयर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय को ये लगना चाहिए ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सोचती है। यदि आप प्रॉब्लम में हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है उस प्रॉब्लम में, तो इस तरह से हम उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में आज नहीं आया, तो उसके कॉल फैमिली मेम्बर्स को कॉल करके बार बार उसको थ्रेट देना या उसके बारे में इंक्वायरी करना, ये भी गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। एक प्रोफेशनल बिहेवियर है, ठीक है, अगर पर्सन ने कहा है कि आदमी नहीं आ रहा, तो हमें उसको, अगर आपको डाउट हो रहा था, आप जब नेक्स्ट डे वो आएगा तब आप उससे बात कर लीजिए, पर एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स को आप इसमें इन्वॉल्व ना करें, ये एक अनप्रोफेशनल कैब माना जाता है। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि ईजिली रिलीज देयर एम्प्लॉयज़। कुछ लोग एम्प्लॉयज़, मान लीजिए आपकी एम्प्लॉय छोड़ के किसी और कंपनी में स्विच कर रहे हैं, तो आपकी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस चीज़ में बहुत सारे हर्डल क्रिएट कर देती है,
जैसे आपका फुल एंड फाइनल चेक ना देना, आपके ऊपर पेंडिंग वर्क को निकाल देना, ताकि आप किसी ना किसी से आप हैरेस हो, परेशान हो, और वो तो ये चीज़ें गलत हैं। ये कहीं से भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं जाता है अपने अदर एम्प्लॉयज़ के सामने। सबको ये लगेगा कि अगली बार ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो एक ट्रस्ट की जो ट्रस्ट वर्दी जो फीलिंग होती है ना, वो एम्प्लॉय की अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करती है, वो हटती चली जाती है। तो आप उनको, अगर कोई एम्प्लॉय जाना चाह रहा है, तो आप उनको टाइम पर रिलीव लेटर दीजिए, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप उनके लिए अच्छा अच्छा कर सकते हैं। यदि इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए, देखिए वैल्यू सिस्टम फॉर मैनेजर्स क्या है, कई सारी रिसर्चेस हुई हैं, स्टडीज़ हुई हैं ओबी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर, और सब ने ये कहा है कि एम्प्लॉयज़ का जो एटीट्यूड है, उसकी जो नॉलेज है ना, वो थोड़ा सा प्रिडिक्शन में होती है कि क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो इन सभी रिसर्च ने बताया है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं और इन सिचुएशंस में मैनेजर्स को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है वो 7 एरियाज़ को फाइंड आउट किया है, जो कि एक मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल वैल्यू सिस्टम है। जैसे ये जो वैल्यूज़ है, ये मैनेजर्स पर इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो कैसे दूसरे लोगों को देखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनको कैसे समझते हैं। ऐसे ही कैसे मैनेजर्स उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऐसे ही मैनेजर्स के जो डिसीजंस हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो कैसे उसके डिसीजंस को लेता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट टाइम गोल्स अचीव करने में वो कैसा अपना बिहेवियर शो करेगा, ये भी हम इस चीज़ में समझ सकते हैं। तो सिर्फ ओवरऑल बिहेवियर नहीं, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेस कैसे अचीव की, ये भी बड़े मायने होते हैं मैनेजर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अपने एथिकल बिहेवियर के लिए उन्होंने अपना खुद का कोड ऑफ कंडक्ट क्या मान रखा है, ये भी ज़रूरी है। आप ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, आप जैसे चाहे लोगों से बात कर सकते हैं, ये आपने अगर मान रखा है तो ये गलत एथिकल एक्टिविटी है और ये वैल्यूज़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के। ऐसे ही अगर आप कंपेरेटिव स्टडीज़ को करते हैं नेशनल और अलग ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स में, तो आप उनके चीज़ों को समझिए कि कैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम की रिक्वायरमेंट है। अब ये हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक जो मेन इसके अंदर आता है, कि इंडियन मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और एथिकल बिहेवियर। पहला आता है आपका ऑनेस्टी। वो चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो ऑनेस्ट हो और हर एक पॉसिबल कम्युनिकेशन वापस कर सके। जब आप देखते हैं कि लोग ऑनेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, तो वो अपनी कंपनी पे भरोसा लेना शुरू करते हैं, क्योंकि आप ही ट्रूथफुल नहीं हैं, है ना। तो आपके साथ जो हैं अदर लोग भी हैं, वो भी आपसे सीखेंगे। पीपल जो होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं फैक्ट्स को। तो अगर आपका एम्प्लॉय ट्रस्टी है, वो अपनी कंपनी पर ट्रस्ट करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी ट्रस्ट है, तो कस्टमर भी उन पर ट्रस्ट करेगा। तो एक एथिकल बिहेवियर से, ऑनेस्टी से, हम कई लोग एक साथ ऑनेस्टी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आता है इंटीग्रिटी। एथिकल इन बिजनेस का मतलब है कि हमें हाई लेवल ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक या इंटीग्रिटी को दिखाना पड़ेगा, कि आप कैसे दूसरे लोगों का ट्रस्ट डेवलप करते हैं या अपने ऊपर कायम रखते हैं, चाहे आप कस्टमर हो, चाहे आप टीम मेंबर हो, चाहे आप सुपीरियर हो। तो इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप कैसे अपना खुद का कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं और लोगों की सोच में, और या फिर अपनी खुद की सोच, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। अनादर जो फैक्टर दिख रहा है वो है एम्प्लॉयज़ के लिए कीप योर प्रोमिसेस। आजकल क्या है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रॉमिस करें तो उस प्रॉमिस को फुलफिल करिए। आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत लोग भाग रहे हैं, तो कमिटमेंट को फुलफिल करना ये ज़रूरी है। लॉयल्टी, आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने लॉयल हैं, और ये तब मालूम चलता है जब आप प्रीवियस की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप लीक नहीं करते। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए सोच रहे हैं, उसके आगे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप मॉरल्टी और मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो एक तरीके से आप अपना लॉयल्टी शो करते हैं। लॉयल्टी से ट्रस्ट डेवलप होता है, बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप कोई अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई सिचुएशन या कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपने कोई अनएथिकल एक्टिविटी करी, तो वो आपकी लॉयल्टी पे ही क्वेश्चन मार्क को मार्क करता है। ऐसा ही आता है फेयर। वो सभी एक्शन
जो भी फेयर हो, जस्टिस हो सकते हैं। एक एथिकल जो कमिटेड कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर का मिसयूज ना करें, फेयर रहे। अगर आपको आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अथॉरिटी दी है, कुछ पावर दी है, डिसीजंस लेने की पावर दी है, तो आप उनको मिसयूज ना करें। केयरिंग और लोगों के साथ भी कंपैशन को रखना है। एक अच्छा मैनेजर, एक एम्प्लॉय दूसरों के केयर के लिए सोचता है, उनके काइंडनेस के लिए सोचता है, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए सोचता है, उनके डेवलपमेंट के लिए सोचता है। रेस्पेक्ट, मैनेजर्स आज ये सोचते हैं कि जो उसके अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो उसको रेस्पेक्ट दें, पर रेस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप अपने जूनियर्स को रेस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ पे ये नहीं है कि लोग आपको डर के वजह से रेस्पेक्ट करें, नहीं। एथिकली कहा जाता है कि आपका जो एम्प्लॉई है आपको रेस्पेक्ट, आपके बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपकी इंटीग्रिटी, आपका ट्रस्ट, आपका काम करने का तरीका, इस पर देनी चाहिए। ऑबे द लू, एथिकल एग्जीक्यूटिव ऑलवेज क्या करते हैं, वो लॉस को फुलफिल करते हैं और कभी लॉ रूल्स को या रेगुलेशन को तोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही आता है एक्सीलेंस बिजनेस के अंदर। एक्सीलेंस इज इन एवरीथिंग। आपको हर जो भी टास्क दिया जाए, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसको आपको अपनी 100% एफर्ट और परफॉर्मेंस के साथ उसको शो करना है। आपको उसमें पूरा डेडिकेट होकर काम करना है। बीइंग अ लीडर, कई बार ये होता है कि आपको टीम में अपनी ये दिखाना पड़ता है कि आप एक लीडर है, और वो आप तब शो कर सकते हैं जब आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं, एक रोल मॉडल बनते हैं, तो आपको लोग एज ए एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। देन मोरल, मोरल क्या कहता है, जब आप अपनी कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करते हैं। देखिए कई बार ये होता है कि कस्टमर के सामने जब एग्जीक्यूटिव जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव नहीं होता, वो कंपनी की को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि आप वहाँ पे एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, बिहेवियर अच्छा कर रहे हैं, राइट थिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी की इमेज को भी बढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी कंपनी की इमेज के साथ साथ हमें अपने साथ काम करने वाले कलीग्स के भी मोरल को बढ़ाना है। हो सकता है कोई एक मेंबर टारगेट अचीव कर पा रहा है, कोई एक मेंबर नहीं कर पा रहा, तो जो नहीं कर पा रहा हमें कोशिश करनी है उसके मोरल को भी बूस्ट अप करने की, उसको मोटिवेट करने की। अकाउंटेबल, आप अपनी बिहेवियर के लिए खुद अकाउंट रेस्पॉन्सिबल हैं और आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे रिज़ल्ट कोई भी हो। अगर रिज़ल्ट जैसा भी आया है, आप खुद उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो यही था आज का टॉपिक बच्चों। थैंक यू वेरी मच।